चंडीगढ़ में गुरुवार को 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें नशा तस्करी पर कैसे लगाम लगे और कैसे आपसी सामंजस्य बनाया जाए, इसको लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। हरियाणा के डीजीपी ने कहा कि नशे के कारोबार में पैसे का बड़ा लेन देन होता है, उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इसको लेकर भी बातचीत की गई। आपको बता दें कि बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी कि सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए, जो लगातार एक दूसरे से संपर्क में रहेगा और इस संबंध में लगातार जानकारियां साझा करते रहेंगे, जिससे नशे के कारोबार पर लगाम लगाई जा सकती है। चंडीगढ़ में हम लोगों ने नॉर्दर्न रीजन की, जिसमें स्टेट्स जेएनके, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और यूटीज में चंडीगढ़, दिल्ली, इन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और उत्तराखंड एंड हिमाचल से और सॉरी हरियाणा से और उत्तराखंड के डीजीपी साहब भी मौजूद रहे इस मीटिंग में। पंजाब से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, हिमाचल से भी आईजी हिमाचल, तो सारे सीनियर ऑफिसर्स की एक ये मीटिंग थी, ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी हमारी, जो नॉर्दर्न जोन की होती रही है, ट्रेडिशनली पहले भी हुई हैं। इसमें जो मुख्य मुद्दा है कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जब पिछले बार जब गृहमंत्री जी आए थे और जो एक हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी आपस में कोऑर्डिनेशन की और कोऑपरेशन की, कि ड्रग्स एक ऐसा मुद्दा है जो कि किसी एरिया या स्टेट स्पेसिफिक नहीं है प्रॉब्लम, ये सभी स्टेट्स को उतनी ही बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है और इसमें सभी स्टेट्स को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो आज के जो मीटिंग थी वो उसमें हम लोगों ने ग्राउंड लेवल तक पे जा करके काम करने का जो एक निर्णय लिया है, जिसमें हमने डिसाइड किया है कि हम स्टेट लेवल की एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, जिसमें कि जो कटिंग एज लेवल ऑफिसर्स हैं उन सबको उसमें वर्किंग ग्रुप में शामिल करेंगे और जो स्ट्रैटेजी हमने आज ऊपर में डिस्कस की है वो वर्किंग ग्रुप जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा स्टेट्स में। तो सबसे बड़ा तो मैं जो हम आज की मीटिंग का जो हमारा ये रहा कि उसमें हम लोग कटिंग एज लेवल पे जाके ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करके और जो ड्रग के खिलाफ जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, अब जो स्ट्रैटेजी है हमारी उसमें कई फ्रंट पे काम करने की जैसे ज़रूरत है, इसको सबने समझा है। एक तो जैसा हमने बताया कि जो नॉन ड्रग स्मगलर्स हैं और गैंगस्टर्स हैं जो इसमें ऑपरेट कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे सर्वेलेंस रखना, उनको उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई करना, और जो फिनेंशियल साइड की इन्वेस्टिगेशन है जिससे उनको असर पड़ता है उसको हमको और थोड़ा सा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करना, जो ड्रग्स मनी है वो किन चीज़ों में यूज़ हो रही है, जैसे आपने देखा वो टेररिज्म में भी यूज़ होती है, नार्को टेरर में भी यूज़ होती है, उसका जो पैसा है वो अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है, किसी और बिजनेस वेंचर में लगा लिया जाता है, कोई जैसे पीछे एक NCB ने केस किया उसमें ये आया कि कोई डिस्कोथेक, बार, इन सब जगहों पे पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है और या लिकर लाइसेंस में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे जो बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे ये पैसा जा रहा है और उसके खिलाफ एक्शन लेना, तो इसमें हमको स्टेट गवर्नमेंट की भी पूरी बाकी डिपार्टमेंट्स की मदद की ज़रूरत है। ये एक पार्ट हुआ जो हमारा सप्लाई साइड को कर्व करने का है। डिमांड साइड पर अवेयरनेस की बात हुई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चों में अवेयरनेस जागृत करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना कि उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर में इसका प्रोलिफरेशन ना हो, प्लस साथ ही में जो डिपार्टमेंट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं या जेल है, इनको भी इन्वॉल्व करना, क्योंकि जब तक ये सारे डिपार्टमेंट एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे हमारी ये स्ट्रैटेजी कम्प्लीट नहीं होगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के ऊपर काफ़ी अच्छे विस्तार रूप से चर्चा हुई और सभी स्टेट्स ने अपनी प्रॉब्लम रखी और हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया है कि सभी स्टेट्स एक दूसरे की अच्छी प्रैक्टिसेस से जो हमको सीखने को मिल रहा है उसको हम लोग अपनी जगह भी इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हरियाणा ने बताया कि एक उन्होंने ऐप डेवलप किया है जिसमें जो मेडिकल ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई को मॉनिटर करने का, कि उनमें से जैसे ट्रेमाडोल है, इस तरह के जो ड्रग्स हैं जो एक्चुअली मेडिकल केसेस में यूज़ होने चाहिए लेकिन उसको कई बार ड्रग एडिक्ट्स जो हैं या इस तरह के जो प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स हैं ना वो कई बार आपको चले जाते हैं जहाँ नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, तो उसके ऊपर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है और उसकी सप्लाई कहाँ हो रही है उस चेन को हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है, उस ऐप को हम लोग अब सभी स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि हम लोग उसको स्टडी करके अडॉप्ट करेंगे अपने अपने स्टेट्स में। एक चीज़ और देखने में आई है कि जिस तरह से ड्रग्स की तस्करी पहले बॉर्डर पार से होती थी, अब उसी ड्रग्स के काफिले के साथ वेपन्स भी आने लगे हैं, उन वेपन्स का इस्तेमाल गैंगस्टर कर रहे हैं, उन वेपन्स का इस्तेमाल जो है टेररिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या कोई संयुक्त रणनीति? हाँ, मैंने आपको यही बताया कि जैसे स्टेट्स लाइक जेएनके हैं और पंजाब हैं,
ये और इवन टू दैट एक्सटेंट दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ये नार्को टेरर से भी थोड़ा इफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज कई सारे जो पैसा जो ड्रग्स के थ्रू आ रहा है वो पैसा कहीं ना कहीं टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में या फिर और इलीगल एक्टिविटीज़ में, गैंगस्टर एक्टिविटीज़ में जा रही हैं। तो उसको ध्यान में रख करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि हम इनका जो फाइनेंस साइड है, जो मैंने पहले भी कहा, इसको थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन साइड को और अच्छा करने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन के बारे में बात हुई कि केसेस हमारे अच्छे प्रोसिक्यूट हों, अच्छे केसेस बने और हम उसमें हमारे एक अच्छी कन्विक्शन मिले हमको, तो इसके ऊपर हमको क्या काम करना है। तो जैसे आईओएस की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूटर्स को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इन सब चीजों विषयों पे भी चर्चा जी बिल्कुल। इसमें अगले बार से हम लोग ये करेंगे कि हमने इस बार जेल अधिकारियों को, हमारे चंडीगढ़ से तो शामिल थे, बाकी स्टेट्स के जो जेल के नोडल ऑफिसर्स हैं उनको नहीं बुलाया था, बट ये डिसाइड हुआ है कि अगले बार इन डिपार्टमेंट्स को भी इसमें लेके और हम उनसे वो डिस्कस करेंगे, जैसे जेल में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ मॉनिटरिंग को कैसे हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने वो वर्किंग ग्रुप बनाने का निर्णय लिया है, जो फील्ड लेवल पे, कटिंग एज लेवल पे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उस वर्किंग ग्रुप के थ्रू हम लोग जो डिसीजन ऊपर लेते हैं वो ग्राउंड लेवल तक जाए और इम्प्लीमेंट हो। इसके ऊपर बड़ी विस्तार में चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में जो हमारा ये जो वर्किंग ग्रुप होगा जो कटिंग एज लेवल तक जाएगा वो हमारे जो भी डिसीजन ऊपर होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा और उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। आज एक सवाल है, क्योंकि चंडीगढ़ जब पार्ट ऑफ ट्राई सिटी, चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वो सारा ट्राई सिटी का पार्ट है, तो कई बार देखा गया है जो ड्रग्स स्मगलर हैं वो बड़ा इजी उनका होता है कि एक जगह से ड्रग्स स्मगलिंग करी दूसरे स्टेट में चले गए, तो कोऑर्डिनेशन और जॉइंट ऑपरेशन जो चलते हैं उसको लेकर भी कुछ और इम्प्रूवमेंट हो, कुछ और सीसीटीवीज या फिर सेंट्रली फोर्स की। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक ये ड्रग्स की जो समस्या है वो सभी स्टेट्स की कॉमन समस्या है, तो इसमें जरूरी है कि सभी स्टेट्स एक लेवल पे काम करें। तो जहाँ भी हमने एक दूसरे से कुछ सीखना है उसको हम सीखें, अडॉप्ट करें अच्छी प्रैक्टिसेस को, और जहाँ चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वहाँ हम अपने स्टेट्स में बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर के उस स्ट्रैटेजी को हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है आज फॉलो अप एक्शन में, और इसको हम लोग की कोशिश ये रहेगी एट सीनियर लेवल कि ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो। सर, आज जड़ी बैठक हुई है सीधे तौर पे ड्रग्स के मामले कि कुछ रहा सर इस बैठक दे विच पंजाब की तरफों की कुछ तैयारियां जड़ी ने आने वाले समय दे विच ड्रग्स नु निपटने लेके। अज जी नॉर्दर्न काउंसिल की एक मीटिंग हुई है जिसकी प्रधानगी DGP हरियाणा साहब ने की है, ये हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और JNK और हिमाचल प्रदेश के सारे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद सके। ये जड़े ड्रग्स का आना और ड्रग्स का वितरण होना जरा उस दे बारे चर्चा हुई है कि असी कार्रवाइयां कीतियां वो असी सांझे कीते हैं, साड़ी गुड प्रैक्टिस सांझी कीतियां, जड़े साडे कोल इनफॉर्मेशन सीगी वो सारे स्टेक होल्डर्स नाल सांझियां कीतियां गईयां और एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व की गई ताकि अगे तो आने वाले दिनों से जो ड्रग्स हैं उन्होंने किस तरह असी प्रभावी कदम चुकांगे कि इस नूं रोकिया जा सके। ट्रांजिट रूट की गल की जाती है, ट्रांजिट रूट की गल की जाती है कि ट्रांजिट रूट की अगर हम बात करें तो उसमें अपडेट की बहुत ज्यादा जरूरत आ रही है, कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की जरूरत है, उसकी तरफ क्या ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ड्रोन बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। देखिए ड्रोन्स एक बहुत सीरियस मसला है क्योंकि ये सिर्फ ड्रग्स नहीं बल्कि वेपन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आ रहा है। ड्रग्स की जड़ी साड़ी पेलोड कैपैसिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। BSF नाल साड़ी मीटिंग्स इस सिलसिले विच होंदियां रहिंदियां ने, दे आर ऑलसो वेरी वरिड अबाउट दिस। पंजाब वालों असी जड़ी साड़ी सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसनू स्ट्रेंथन किया है, स्पेशली जड़े साडे फाजिलका, फिरोजपुर सैक्टर्स, तरन तारण, अमृतसर देहाती दे जड़े सैक्टर्स हैं, बटाला तक जड़ा साडे हॉटस्पॉट्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्हां ते असी सख्त निगाह रख रहे हैं ताकि कोई भी ड्रोन आवे तो उसनू न्यूट्रलाइज करिए। मैम, एज आई टोल्ड यू, वी हैव डिस्कस्ड नंबर ऑफ इशूज इन दिस मीटिंग एंड ऑल सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल दीज स्टेट्स वर देयर एंड वी हैव
made a plan and we'll work on it. Sir, एक सवाल हो रहा है सर, जिहड़े गैंगस्टर लगातार हुण ड्रग्स स्मगलिंग च वी इनवॉल्व है, जिदां पिछले दिनों अज काफ़ी पंजाब पुलिस ने भी उन्होंने रिकवर किया है, गैंगस्टर भी फड़े गए हैं, उन्होंने लैके भी कोई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जिहड़ा भी गैंगस्टर है, क्रिमिनल पर्सन या ड्रग्स स्मगलर है, वो किसी भी वारदात को अंजाम देकर दूजे स्टेट से जाके लुक जाता है, उन्होंने लैके भी कोई जॉइंट ऑपरेशन जिहड़ा तुहाडा? देखो असी जिहड़ा जिहड़ा गैंगस्टर्स दे विषय दे विच साडी एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी हुई है, तुसीं देखिया उन्होंने बड़े चंगे रिजल्ट्स पिछे आए आ, उन्हां दी सारे एक वैल ल्यूब्रिकेटेड साडी मशीनरी है जिहड़ी आपस च पूरा समन्वय है, पूरी कोऑर्डिनेशन दे नाल काम करती है। ये जिहड़े अज दी मीटिंग सी ये सिर्फ ड्रग्स और सिर्फ ड्रग्स दे उत्ते फोकस सी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।